Hello friends, in Ritik Sharma chemistry classes with a new topic. Today's topic is phenol special reaction of Gatterman aldehyde synthesis reaction. यानी कि यहाँ पर हमें गाटरमान का एक नेम रिएक्शन है जो पूछी जाती है, ये नेट लेवल पे, जीमेंस में और बीएससी लेवल पे भी पूछी जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया जाता है, किस तरह से होगा। देखो अभी आप सिर्फ रिएक्शन देखो, फिर मैं मैकेनिज्म के थ्रू समझाऊंगा इसको। फिनोल ये क्या है, ये है सब फिनोल, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है एच सी एन और एच सी एल की प्रेजेंस के अंदर विद द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। एच ए एल सी एल थ्री हुआ, जेड एन सी एल टू हुआ, एफ ई सी एल थ्री हुआ, ये सब क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। कोई भी ले लो आप, लुईस एसिड की प्रेजेंस के अंदर किया जाता है, ठीक है। लुईस एसिड क्या होते हैं, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, जिनको इलेक्ट्रॉन की तलाश होती है। कुल मिला के हम इनको एक इलेक्ट्रोफाइल भी कह सकते हैं, लुईस एसिड आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो अभी हमारा टॉपिक नहीं है। तो देखो फिनोल की रिएक्शन एच सी एन और एच सी एल की प्रेजेंस में करवाई जाती है, इसे ऑर्थो पोजीशन पर बेंजल्डिहाइड और पैरा पोजीशन पर बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। अब इसकी मैकेनिज्म पे चलते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इसकी मैकेनिज्म क्या है कि हमने क्या लिया, एक तो एच सी एन लिया है, इस तरह से होगा। एक हमने लिया है एच सी एल, वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, इस पर क्या है नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। सेम कंडीशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की, इस पर नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, ठीक है। ये नेगेटिव कहाँ अटैच होगा, इस पॉजिटिव पे जाके। देखो आप कुछ इस तरह का बने तो बताओ, यहाँ तो सी एल अटैच हो गया, अब इस नेगेटिव पे एच जुड़ जाएगा, पॉजिटिव है, ठीक है। अब फिर क्या होता है, हम जानते हैं कि हेलोजन्स आर बेटर लिविंग ग्रुप, थे बाहर निकल जाएंगे। अब देखो ये फिराक में बैठा हुआ कौन, ए एल सी एल थ्री की, भाई मेरे को तो सी एल चाहिए। ये क्या बनाएगा, ए एल सी एल थ्री प्लस सी एल माइनस मिलके क्या बनाएंगे, ए एल सी एल फोर माइनस की फॉर्म में बाहर। यहाँ से क्या जनरेट हो गया, सी एन एच। ये देखो आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। सी एल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, ये इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, कार्बन पे क्या छोड़ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इस तरह का प्रोडक्ट बन गया। इसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोफाइल। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, याद रखो इस चीज़ को कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो सभी, उन सभी रिएक्शंस में आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना आना चाहिए। इस बात को ध्यान से सुन लो, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना आना चाहिए, यानी ये जो रिएजेंट लिखे हुए हैं इनसे आपको इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। वही मैंने आपको बताया कैसे, एच सी एन लिया, एच सी एल की रिएक्शन करवाई और इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर दिया, किस तरह किया बता दिया। अब इसकी हम रिएक्शन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये हमारा फिनोल है जो कि रिएजेंट है, इसकी रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से करवानी है। अब देखो यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इधर डोनेट कर देगा। अब उससे क्या होने वाला है वो देखो आप, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एच, यहाँ पे आके आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा, ठीक है, मानते हो इस बात को। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेके आए, इस नेगेटिव पे जाके ये पॉजिटिव अटैच हो जाएगा और इस तरह से अटैच हो गया, ठीक है। अगली बारी में हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोलाइजिंग रिएक्शन करवानी है, यानी कि जल अपघटन, ठीक है। अब हाइड्रोलाइजिंग करवाने से क्या होगा, देखिए कि ये जो हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन को एच प्लस की फॉर्म में रिलीज़ कर देगा। ये रिलीज़ होगा किस फॉर्म में, एच प्लस की फॉर्म में। नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर, ये इस पे आके अटैच हो जाएगा। यहाँ से अब हम आपको ट्रिक बताने वाला हूँ सीधा सा, हाइड्रोलाइजिंग का मतलब क्या होता है, एच टू ओ का एडिशन। अब एच टू ओ कैसे होगा, ये बॉन्ड बीच में से ब्रेक होगा, दो हाइड्रोजन इधर चले जाएंगे, एक ऑक्सीजन इधर आ जाएगा। अब देखो आप माइनस यहाँ से क्या क्या निकल जाएगा, एन एच थ्री निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसको मत देखो आप, ये एस इसको छोड़ो अभी आप, इतना समझो कि इसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया ऑक्सीजन ने और न्यूट्रल फेज के अंदर हो गया और हाइड्रोजन को बाहर रिलीज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या था कि सी एच एन एच था, हमने तोड़ा बीच में से, हाइड्रोजन इधर दे दिया, ऑक्सीजन इधर दे दिया। अब देखो माइनस एन एच थ्री निकल गया, एक नाइट्रोजन और तीन हाइड्रोजन एन एच थ्री के फॉर्म में निकल गए। अब बचेगा क्या वो देखना है, बचेगा क्या, यहाँ पे क्या है C और ये क्या है डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। ऑक्सीजन हमने इधर दिया, H इधर पहले से प्रेजेंट है, सी एच अटैच है ना यहाँ पे, और एक ऑक्सीजन दे दिया तो ये हो गया। ऊपर क्या है साहब, ऑक्सीजन अटैच है। अब देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी अटैच होगा, ठीक है,
ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इधर डोनेट करेगा, इससे क्या फॉर्म होगा? इससे यहाँ पे तो आ जाएगा जी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जिससे इससे कुछ ऐसा होगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है आपका सी डबल बॉन्ड ओ और एच। अब ये जो ऑक्सीजन है इस पर वापस से नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो सॉल्यूशन में बचा हुआ एच प्लस था जो हमने अभी यहाँ पे निकाला था ना, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था और फिर मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन इधर लेके इसने बाहर निकाल दिया, तो ये वाला जो एच प्लस होगा ये सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं घूम रहा होगा, तो ये घूमने वाला जो एच प्लस है ये वापस घूम फिर के अपने इसके पास आ जाएगा और ये यहाँ अटैक कर देगा। फर्दर क्या बनेगा देखो, अब इतना तो आप भी समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या है, फिनोल हो गया और ये CHOaldehyde ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। ये मैंने ऑर्थो के लिए कर दिया, सेम रिएक्शन आप पैरा के लिए कर सकते हो, पैरा बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एज मच एज यू कैन डू। सो मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद इन न्यू टॉपिक।